इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज आई सेड इज द क्वोशेंट और प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन. एंड उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं. यू कैन इवन राइट इट लाइक दिस. कॉपी करो पहले ये फॉर्मूला. हो गया कॉपी सबका. तो देखो बेसिकली क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला. ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट रूल टाइप से हम लोग देखें तो यू इंटू वी होना चाहिए, यू इंटू वी होना चाहिए. हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जो सेकेंड टर्म है ना वो एक्चुअल में वी नहीं है, वो वी का डेरिवेटिव है. हम लोग उसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो वी का डेरिवेटिव है. तो अगर वो v का डेरिवेटिव है विच मीन्स इफ इट इज़ dv, देन हाउ विल वी मूव टू v? वी हैव टू इंटीग्रेट इट, वी हैव टू इंटीग्रेट इट. तो हम लोग को ओरिजिनल सम से क्या मिलता है, हम लोग को u का वैल्यू मिलता है और हम लोग को dv का वैल्यू मिलता है या फिर v डैश का वैल्यू मिलता है. और फिर उससे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए du एंड v. वी नीड du एंड इससे वी नीड वी. डी यू कैसे मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके. वी कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके. ठीक है, तो कभी भी कोई सम देखोगे जिसमें बायपार्ट्स लगाना है, फर्स्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज वैल्यूज, देन यूजिंग दीज वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू, और फिर सिर्फ इस फॉर्मूला में बिठा देना हम लोग को चारों वैल्यूज को. एक एग्जाम्पल करते हैं. अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देख सकते हैं कि जैसे v जो है, v को पहले हम लोग को v निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे v निकलने के बाद वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन एज वी ऑल नो इज़ कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट देन डिफरेंशिएशन. तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम लोग एक ऐसा फंक्शन चूज़ करें v को. अब जब प्रोडक्ट होता है तो u इंटू वी लिखो या v इंटू यू लिखो, एक ही बात है, एक ही बात. तो हम लोग किसी को भी u ले सकते हैं, किसी को भी v ले सकते हैं. तो हम लोग कौन से वाले को v लेंगे शुड बी डिपेंडेंट ऑन हाउ ईजी इट इज़ टू इंटीग्रेट इट टू टाइम्स. अब आज जैसे ऑब्वियसली अगर एक e टू द पावर x का टर्म है तो हम लोग को पता है e टू द पावर x को तो कितनी भी बार इंटीग्रेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, इट विल नॉट चेंज. तो इट विल मेक आर वर्क ईजियर. तो हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि e टू द पावर x को तो v ही ले, एंड जो भी दूसरा टर्म है उसके साथ में, जैसे यहाँ पे x है तो हम लोग x को u ले, क्योंकि x को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने से चेंजेस आते हैं थोड़े. तो टू हेल्प अस डिसाइड
कि हम लोग को किस ऑर्डर में यू एंड वी लेना चाहिए, एक रूल है आईलेट रूल। आईलेट में क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली चॉइस ऑफ यू प्रेफरेंस, कि हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे वाइल चूजिंग यू। अगर हम लोग के प्रोडक्ट में कोई इन्वर्स है तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगा यू बनने का, क्योंकि उसको किसी भी इन्वर्स फंक्शन को, मतलब पावर में अगर माइनस समथिंग है तो उसको इंटीग्रेट करने में बहुत एफर्ट्स लगेगा, तो इसीलिए उसको हम लोग यू ले लेंगे, ताकि हम लोग को ज़्यादा चिक चिक नहीं करना पड़े, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है एक बार हम लोग को यू को। देन वी विल चूज अ लॉगरिदम, वो भी नहीं है तो अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, रूट एक्स हो गया, ये सब जो है एक्स प्लस टू हो गया, ऑल ऑफ दीज आर अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन 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 कॉस कुछ भी ऐसा हुआ तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक में आएगा। एंड लास्टली इट इज़ एक्सपोनेंशियल, मतलब हम लोग एक्सपोनेंशियल को यू एकदम एंड केस में बनाएंगे, जब और कोई ऑप्शन ही नहीं है तब हम लोग खाली एक्सपोनेंशियल को यू लेंगे। ठीक है, तो ये आईलेट रूल समझ में आया। अब यहाँ पे क्या क्या है, एक्स इज अलजेब्रिक, ई टू द पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल, तो हम लोग यू किसको लेंगे, ए पहले आता है तो इसीलिए यू एक्स को लेंगे। ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, उसको हम लोग क्या लेंगे, वी डैश, वी डैश इज ई टू द पावर एक्स, राइट। अब हम लोग को क्या क्या करना है, इसको यूज़ करके हम लोग को यू डैश कैलकुलेट करना है। यू डैश कितना होएगा, वन होगा, विच मीन्स डेरिवेटिव ऑफ यू बेसिकली डी यू डी एक्स। एंड वी डैश से हम लोग को वी निकालना है, विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, विच इज ई टू द पावर एक्स। अब इसको हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला सेज यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। तो पहले तो यू वी करते हैं, यू एंड वी, तो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या होएगा, क्या होगा, वी इंटू यू डैश होता है, वी इंटू यू डैश मतलब ई टू द पावर एक्स इंटू वन डी एक्स, ये होगा इसका इंटीग्रल, क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। और फाइनली एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। क्लियर है सबको ये? अब खुद से सम ट्राई करो। और ये
आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक लिखवाया नहीं है ना? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का तो अगर आप लोग डिफरेंशिएशन याद करोगे तो आधा ऐसे ही हो जाए। फॉर्मूलाज यहाँ से स्टार्ट है, अभी जहाँ पे है वहाँ से स्टार्ट है फॉर्मूला। स्क्रॉल करें,
ये वाला हो गया सबका कॉपी। बोलो किसी का कोई पोर्शन बाकी है तो। हो गया सबका। चलो सम डिस्कस। कोई भी अनम्यूट करके बोल। रहने दीजिए। अरे अनम्यूट इसका इसका हो गया। का नहीं हुआ।
यू किसको लेंगे? हाँ अब आ रहा है आवाज? ओ अच्छा आपका माइक वर्क, सॉरी। बोलो कोई भी बोलो, कोई बात नहीं, दीप्ति का नहीं कर रहा तो। किसका किसका हो गया? हाथ उठाओ। नहीं यू यू वी डैश ये सब का वैल्यूज बता। तो वी डैश हो गया एक्स, फॉर्मूला बताओ। बी सबका ही आया। अब देखो बाईपास तो हो गया, बाईपास में अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आया तब हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत बार क्या करते हैं कि ये वाले इंटीग्रल में भी हम लोग लिमिट्स लगाने का कोशिश करते हैं, बट उसका एकदम दरकार नहीं है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो बस बाहर की तरफ में लिमिट्स लगाओ, अंदर का पूरा इनडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लो, अंदर पहले पूरा इनडेफिनिट की तरह सॉल्व कर लो, और फिर फाइनली जब इस स्टेप पे आ जाओगे, जब ये लास्ट स्टेप पे आओगे तब जाके यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर द लिमिट्स। ओके अच्छा ये सब फॉर्मूला सबका कॉपी हो गया। अब ये फॉर्मूलाज को यूज़ करके सम्स यूजुअली इस लेवल पे थोड़े कम आते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं, तो एक दो तो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ही होता है ना। साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, बट ये कैसे यूज होगा? ए हम लोग क्या लेंगे? अगर हम लोग ए को रूट ओवर टू एक्स लिए तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए इज़ अ कॉन्स्टेंट तो उसमें एक्स का कोई टर्म हो नहीं सकता। तो हम लोग को सबसे पहले तो इस एक्स को हटाना होगा। इस एक्स को कैसे हटाया जा सकता है? इस एक्स को कैसे हटाया जा सकता है? क्या होगी?
यू एंड वी फॉर्मूला के थ्रू एक्स से डिवाइड करने से क्या आएगा, और यू और वी के फॉर्मूला से भी कैसे होगा, क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर डिनोमिनेटर मतलब अंदर रूट के अंदर जो है। अच्छा कैसे, मान लो सबसे पहला बात तो माइनस एक्स स्क्वायर तो काम नहीं कर सकता, होल स्क्वायर बनाने का नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होल स्क्वायर बनाने का कोशिश भी करेंगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा रूट के। और सोचो, वैल्यू मतलब कैसा वैल्यू, कौन सा वैल्यू देना, अगर साइन एक्स दिए तो टू साइन एक्स साइन वाई होगा माइनस साइन स्क्वायर वाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हम लोग का जो एक्स स्क्वायर है के आगे एक माइनस है। ठीक है चलो फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तो यही करना होगा ना कंप्लीट करने के लिए, तो ये माइनस वन आएगा और ये आएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको आप मेरे को ये बताओ कि इसको आप ए स्क्वायर कैसे करोगे, माइनस वन के नॉट बी ए स्क्वायर, नहीं होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कैसे करोगे, यहाँ पे भी तो माइनस है, एक ही बात होगा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करो, दोनों एक ही, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो ऐसे ही करना होगा, और कोई वे है ही नहीं कंप्लीट करने का स्क्वायर को, प्लस वन माइनस वन ही करना होगा, एंड दोनों में माइनस आ रहा है, किसी एक में भी अगर प्लस आता तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ कर सकते थे। पार्शियल इंटीग्रेशन से पार्शियल फ्रैक्शन रूट के साथ कैसे यूज करोगे, और सब्स्टिट्यूशन से
एक सेकेंड, क्या बोल रहा, वापस एक बार करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर करने से आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, टू एक्स है तो वन होना ही। वन माइनस एक्स अगर लेंगे ये ओपन करने से आएगा, एक सेकेंड ओपन तो करना ही होगा चेक करने के लिए एक बार। ओ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ रहा है। इसको अगर यूज़ करना है तो एक वे से आप यूज़ कर सकते हो, ये तो खोलने से आएगा ही नहीं, सेम नहीं आएगा ये खोल, ये ले सकते हो आप। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करना है तो एक वे इसको यूज़ करने का इस माइनस बाहर निकालो सबसे पहले, एक्स स्क्वायर है बाकी लोग क्या करो सोचो, एक वे है जिससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा, ट्राई करो बट वो लगेगा इस फॉर्म में। लगना ऐसे चाहिए, ये कैसे आएगा बोलो। ये मैंने भी यही किया, ये वाला होल स्क्वायर लग सकता। एल एन एक्स वाला फॉर्मूला क्यों, एल एन एक्स वाला नहीं लग सकता अभी भी, रूट के अंदर है सब चीज। अभी भी तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ही लगेगा ना, एल एन वाला नहीं, एल एन वाला लग ही नहीं सकता इस समय, क्योंकि हमेशा कितना भी आप कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो सब्स्टिट्यूट करो, हमेशा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने से एल एन का फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्म में हम लोग ला ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग का जो एक्स स्क्वायर है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, कन्फ्यूज होने से ही क्लैरिटी आएगा माइंड में। चलो किसको किसको समझ में आया, ये सम था ओरिजिनल, हम लोग को पता है कि हम लोग को फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वन बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब हम लोग को बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो इसमें अगर हम लोग, अब टू वेज है, एक है जैसे अभी वैभव ने बोला कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड दूसरा है कि आप लोग को देख के दिख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो डी एक्स एंड डी टी सेम आएगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखते हैं,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना होता है, हम लोग को हमेशा सबसे पहले ए स्क्वायर लेना होता है, फिर उसके बाद 2ab वाला टर्म लेना होता है। 2ab वाला टर्म क्या है, माइनस 2x है, तो माइनस 2 इंटू एक्स, तो b इज बेसिकली 1, ये हम लोग को सेम रखना है। अब इसके बाद हम लोग को ऐड करना होता है बी स्क्वायर। अब हम लोग बेसिकली एक माइनस 1 ऐड करें, क्योंकि ये माइनस को हम लोग बाहर लेना पड़ा हम लोग को, बिकॉज हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस था, तो हम लोग को सबके बाहर एक माइनस लेना पड़ा। तो इसेंशली हम लोग को चाहिए क्या, वी नीड अ माइनस 1, तो उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग एक प्लस 1 लेंगे, उसको नलीफाई करने के लिए प्लस 1 लेंगे। तो हम लोग के रूट के अंदर ये आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे, ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड 1 इज 1 स्क्वायर, तो क्या हम लोग का a इक्वल टू 1, एंड x हम लोग को पता है x नीड नॉट बी जस्ट x, इट कैन ऑलवेज बी एन एक्सप्रेशन इन x ऑल्सो। बस हम लोग को ये देखना होता है कि अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें चेन रूल लगाने का दरकार है, तो हम लोग को वो भी लगाना होगा। यहाँ पे चेन रूल लगाने का कोई दरकार नहीं, बिकॉज एक्स इज स्टैंड अलोन का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग को कोई चेन रूल नहीं लगाना है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स बाय ए विच इज 1 प्लस सी। तो आवर फाइनल आंसर विल बी साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। द अदर वे टू डू इट इज दिस सब्स्टिट्यूशन। आप लोग अगर चाहो तो ये वाला मेथड भी कॉपी कर सकते हो। एज एन ऑल्टरनेट ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, फिर हम लोग एक्स को टी के टर्म्स में लिख ले रहे हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट्स खुल रहे हैं, टू टी कट जा रहे हैं, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये सब 1 बाय है, सिर्फ डिनोमिनेटर का सॉल्विंग दिखाया। तो 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर वी नो इज साइन इनवर्स टी बाय ए, या फिर टी बाय 1 इन दिस केस, एंड टी क्या है, टी इज एक्स माइनस 1। क्लियर है, आया समझ में? सब आज हम लोग यहीं तक रखते हैं एक बार, कल हम लोग और सम्स डिस्कस करेंगे, एंड जो भी सम स्मॉल पोर्शंस है इंटीग्रेशन का अपार्ट फ्रॉम दिस वो करके रैप अप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।